आज की क्लास है रैबिट की, सेशन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशन को, ठीक है, डिटेल में देखेंगे उसका से फ्लोर है, सीलिंग है, रूफ है, ओपनिंग है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम सेशन 4 में कवर करेंगे। डायमेंशन हमारा क्या होता है? तो डायमेंशंस और व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट दे शो साइज एंड डायमेंशन इन अ प्रोजेक्ट। यानी इसी प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो हमारा व्यू होता है, साइज होता है, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। टू टाइप ऑफ डायमेंशन होता है, एक तो आप पढ़ ही चुके हैं जिसको होता है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है इसको आप देखते हैं लेकिन ये क्या होता है, ये शो नहीं करता, बस शब्द को दिखाएगा और डिलीट हो जाएगा। और जो दूसरा अगर हमारा है, इसके मैंने सेटिंग भी बता दी थी टेम्पररी की, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर, फोर टू फोर। और दूसरा जो हमारा परमानेंट, परमानेंट मतलब वो हमेशा ही दिखेगा, ठीक है। ये कह रहा है मेजर फ्रॉम डोर एंड विंडो सेंटर लाइन, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। परमानेंट डायमेंशन क्या होता है? तो चेंजिंग टेम्पररी डायमेंशन टू परमानेंट डायमेंशन, यानी ये टेम्पररी से परमानेंट में कैसे चेंज होता है, आइए देखते हैं। जैसे किसी भी वॉल को, जैसे यहाँ पे डायमेंशन निकाला गया है, तो इससे ज़्यादा आपको डायमेंशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस डायमेंशन को लिख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल बना लेते हैं, तो अभी ये जो डायमेंशन निकाला क्या है, टेम्परेरी डायमेंशन, यानी केवल क्या करेगा, दिखाएगा और वो हट जाएगा। अगर इसको परमानेंट में कन्वर्ट करना है तो यहीं पे जाएंगे, तो क्या हुआ, एक यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है, उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये डायमेंशन जो होता है परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब जो दिखाता है, और परमानेंट मतलब जो हमेशा आपका शो करे। चेंजिंग टेम्परेरी कैसे चेंज करना है, तो उस डायमेंशन ऊपर क्लिक कर देना है। और डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। ये मैंने कुछ डायमेंशन क्या हुए हैं, ऑब्जेक्ट का निकालना है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया है। कहाँ मिलेगा एनोटेट, तो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंसर्ट, यहीं पे आपको इसके आगे मिलेगा एनोटेट। पहला कह रहा है इसमें हमारा अलाइन डायमेंशन, इसका शॉर्टकट क्या है, DI। क्या करते हैं, जब भी हमें डायमेंशन निकालना होता है तो आपको मैंने वॉल में बता दी कि आप कहाँ से निकालना चाहते हैं, तो वॉल सेंटर लाइन मतलब बाय डिफॉल्ट ये वॉल सेंटर लाइन पे सेलेक्ट होता है, यानी सेंटर टू सेंटर आप डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं तो वॉल सेंटर लाइन का आप यूज़ करेंगे। दिखा रहा है 35 फुट दिखा रहा है, ये क्या है, परमानेंट डायमेंशन है। दूसरा अगर यहाँ पे हम फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फेस पे जाते हैं, यहाँ पे ये फेस मैंने सेलेक्ट किया, यानी इनसाइड टू इनसाइड, तो ये क्या हो गया 34 फीट 4 इंच। और यहाँ पे अगेन सेंटर ऑफ कोर बाहरी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा दिखाएगा 35 फीट 8 इंच। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या था, अलाइन टूल का ही यूज होता है। लीनियर को हम आगे बता देंगे आपको। एंगुलर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें क्या निकालना, एंगल निकालना होता है। जैसे इस के बीच और इसके बीच मुझे एंगल निकालना है, तो ये हमारा क्या दिखाएगा, अलाइन का यूज करेगा। कैड में इसका शॉर्टकट DAN होता है, उसको भी पढ़ाया गया आपको। अगर आपको कैड के डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास नंबर 18 लेकर के आप देख सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। रेडियल क्या होता है हमारा, कि जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है, अब यहाँ इसका रेडियस कितना है, तो 13 फीट 10 इंच का हमारा है। अगेन देख लेते हैं कि अगर मैं इन साइड का निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 13 फीट 2 इंच का है। ये बाहर का कितने का है, तो 13 फीट 10 इंच का है। तो अब दोनों डायमेंशन दिखा सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर में जो टोटल हमें देखना है, तो 13 दुना क्या हो जाएगा, 26 हमारा हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने का ये प्रोसेस क्या है, सेम वही लेकर सेलेक्ट कर क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डायमीटर क्या होता है, तो टोटल हमें ये दिखाता है। इसको चाहे तो आप रोटेट करके जैसे मर्जी वैसे आप सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डायमीटर। आर्क लेंथ क्या होता है, कि आर्क का हमें लेंथ अगर दिखाना है कि आर्क का लेंथ कितना है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया, जो हमारा आर्क का लेंथ है, तो ऐसा कोई मेरे पास अभी आर्क नहीं इसका लेंथ हम निकाल सके, ठीक है। रेडियस है, तो रेडियस क्या कर रहा है, ये खुद दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे परमानेंट डायमेंशन में चेंज होगा। इसे करना क्या है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से क्या करेगा, आपको आर्क का जो लेंथ होगा वो आपको दिखाएगा।
ठीक है, जब बनाते हैं तभी भी क्या करता है ये दिखाता है कि आर्क लेंथ कितना है। जैसे अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं डिटेल लाइन में, तो यहाँ पर दिया हुआ आर्क हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम बनाते हैं तो क्या, तो ये आर्क हमारा लेंथ दिखा रहा है कि कितना हमारा ये आर्क का लेंथ है। ये जो लेंथ है क्या, ये आर्क का लेंथ है। इस तरीके से भी आप इसका लेंथ दिखा सकते हैं। डिटेल एक और देख लीजिए, यहाँ से अलग टाइप ऑफ क्या होते हैं, आर्क होते हैं। ऑटोकैड में आपने 11 पढ़ा होगा, तो पहला दूसरा तीसरा जिधर भी आप दे देंगे क्या हो जाएगा, आर्क का लेंथ बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इस पर क्लिक करेंगे दिखा देगा, और यहीं पे हम क्लिक करेंगे ये हमारा आ जाएगा आर्क का लेंथ। अब आगे इसमें कह रहा है हमारा बेस लाइन, बेस लाइन के अगर कुछ सेटिंग करनी है, सेटिंग इसमें लिखा गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर जो हमने ये डायमेंशन जो निकाला है ये इस तरीके से ना दिखा के कुछ और तरीके से हमें दिखाना हो तो क्या करेंगे, तो पहले कुछ थोड़ा मॉडल में हम चेंजिंग कर लेते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया मल्टीपल टाइम, कॉपी छः फिट अगेन मल्टीपल अगर इसका डायमेंशन दिखाना हो तो क्या करेंगे, हम अलाइन को लेंगे, पहला पॉइंट हमारे यहाँ है, माउस को उठाएंगे नहीं, दूसरा यहाँ क्लिक करेंगे, तीसरा यहाँ क्लिक कर दिया, चौथा हमने यहाँ क्लिक कर दिया, ये पांचवा और ये छठवा। तो ये हमारे क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये तो दिखाएगा ही, ये ऑटोकैड में आपको हो सके पढ़ाया गया हो, यानी इनके बीच की गैपिंग कितनी है, तो ये हमारी इतनी 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 गैपिंग आ रही है। तो अगर ये क्या है, बेस लाइन, बेस का मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये दिखा रखा है समथिंग समथिंग है। चाहे इसको आप कोर टू कोर भी निकाल सकते हैं या सेंटर टू सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन ऐसा नहीं चाहिए, इसका कलर चेंज करना है, हाइट चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहीं दिया हुआ हमारा डायमेंशन, तो पहला चेंजिंग यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी क्या होगा, आपका डायमेंशन थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाएगा, या जो इसमें दिया हुआ उसमें हमारा जो भी रहेगा चेंजिंग हो जाएगा। तो इसका आप पहले क्या कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए कि डायमेंशन कौन कौन से हैं, किस तरीके से हमारा दिया गया है। इसका मतलब नॉट इक्वल, सब इक्वल नहीं, अगर इक्वल रहता तो क्या करता है, ये इक्वल भी हमें दिखा देता। तो क्या करेंगे, एडिट टाइप में आप जाएंगे डायमेंशन में, पहले यहाँ दिया हुआ कॉन्टिन्यूस, यानी क्या है, ये कॉन्टिन्यू है, तो कॉन्टिन्यू से क्या करते हैं, इसको हम बेस लाइन में कन्वर्ट करते हैं। ये ओके किया तो जैसे ही मतलब बेस लाइन किया, यानी यहाँ से दूरी कितनी है ये, तो ये दिखा रहा है 5 फीट 9 इंच, यहाँ से 13, यहाँ से फिर 22 28, एक ये भी डायमेंशन दिखाने का क्या होता है, तरीका होता है। अगेन क्या किया, जब भी इस पर हम चेंजिंग करते हैं, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, एडिट कर लेते हैं तो डुप्लीकेट कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माई डी आई एम, ये ओके कर दिया, जो कॉन्टिन्यूस था इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ करके बेस लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ये ओके कर दिया, तो ये आपका चेंजिंग हो गया। अगेन ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या है, तो लीडर टाइप क्या है, तो लाइन में है, ठीक है, लेंथ कितना है, तो 1/4 इंच का है, ठीक है, लीडर मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ दिया लाइन वेट, अगर लाइन की वेट आपको बढ़ानी है तो 1 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमारी रहती है। एंड यहाँ पे हमें इसका यूनिट भी अगर चेंज करना है तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, इसी डायमेंशन के अंदर जाएंगे, इसे दिया हुआ कलर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से रेड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे विड्थ फैक्टर, विड्थ का मतलब इसको 2 गुना 3 गुना करना है विड्थ का, अंडरलाइन क्लिक करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। टेक्स्ट की साइज कितनी चाहिए, तो ये दिया हुआ है फ्रैक्शनल में 3x32 इंच दिया हुआ है, ऑफसेट दिया कितने डिस्टेंस में है, सब क्या ये चेंजेबल है, और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी दे रखा है, जो यूनिट सेटिंग आपको पहले बताई गई थी, ये भी डायमेंशन चाहे तो इसे मीटर में चेंज करना चाहे तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, कलर रेड कर दिया, कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा हमारा। अगेन सेलेक्ट किया, एडिट किया, अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, और ये हमारा किसमें था, फ्रैक्शनल इंचेज में था, इंचेज में कर देते हैं, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया,
ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल इंचेज में हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, बेस लाइन और कॉन्टिन्यूस। इसमें एक ऑप्शन और भी है बेस के अलावा, किसका, ऑर्डिनेट का। तो ऑर्डिनेट में जैसे ही जाएंगे दिया ऑर्डिनेट डायमेंशन सेटिंग, ऑर्डिनेट होता क्या वाली ये तो देख लीजिए, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, यानी ये जो डायमेंशन था अब इस तरीके से ना दिखा के क्या कर रहा है, इसके कॉर्नर पॉइंट पे दिखा रखा है कि कितना कितना डिस्टेंस है। इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ चाहेंगे डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन सेटिंग में यहाँ कह रहा है हमारा पैरलर कह रहा है, तो पैरलर कर दिया मैंने, ठीक है। कॉन्टिन्यूस लाइन है, सेगमेंट में कर देंगे, सेगमेंट हो जाएगा हमारा। एक एक चेंजिंग करके क्या करेंगे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। ये इस तरीके से हमारा कर दिया, अगेन लेकर के एडिट किया। अगर हम केवल लाइन वनली कर दें यहाँ पे और सेगमेंट के यहाँ पे मैंने नन कर दिया, ओके कर दिया, तो इसमें कुछ क्या आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं ऑर्डिनेट में। वैसे हमें इसका क्या यूज़ करना है, तो ये हमें ऑर्डिनेट यूज नहीं करना, हम इसको कॉन्टिन्यूस लाइन में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ओके कर दिया। तो कॉन्टिन्यूस में हमारा ये जैसे था आ गया। यूनिट चेंज करना है अगेन, तो इसको यूनिट को हम चेंजिंग कर लेते हैं एडिट में जा करके। ये जो हमारा था फ्रैक्शनल में था यूनिट, ये हमारा है फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेज, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शनल इंचेज में आ गया। तो ये हो गया बेस लाइन हमारा एंड ऑर्डिनेट की भी सेटिंग इसमें दे रखी है, इसको सकते हैं। अगला है स्लोप डायमेंशन एंड स्लोप कोऑर्डिनेट। स्लोप का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए, ये तीन क्या है, ये 3D के लिए है। तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसी वॉल को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहीं पे डोर लगा देता हूँ। डोर और विंडो लगाना आपको बता दिया गया है, यहाँ मैंने डोर लगा दिया या जिन कोई विंडो लगा दिया, किसी भी साइड में विंडो लगा दिया, डोर पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर इसकी डायमेंशन दिखाने को कितने फीट पे है ये हमारा 3D में, या अब इस्ट में जाते हैं तो कितने इंच पे ये लगा हुआ है, तो अब कैसे किसी को बताएंगे या कैसे प्रिंट आउट में दिखाएंगे। तो ये ऑटो कैड में नहीं था, ये आपके लिए नया है। तो दे रहा है यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, तो दिया हुआ स्पॉट कोऑर्डिनेट किसके लिए होता है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो भी हमारा होता है ये हमारा क्या करता है, दिखाता है कितने पे है। तो दिखा रहा है कि नॉर्थ में है, क्योंकि हम ठीक है ये नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, और कितना है हमारा समथिंग, तो नॉर्थ में दिखा रहा है 9 feet समथिंग इंच दिखा रहा है नॉर्थ ईस्ट का। तो इसका ये कोऑर्डिनेट हमारा दिखाता है कि कहाँ पे हम बनाए हुए हैं डोर और विंडो। अगेन इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे विंडो का दिखाना है कोऑर्डिनेट। तो कुछ नहीं करना है आपको, जाके इस पॉइंट पे सेलेक्ट करना है, ये खुद आपको दिखाएगा, ये नीचे से भी देख सकते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है स्पॉट एलिवेशन कितने हाइट पे है, ये कितनी हाइट कितनी है, तो 7 feet 3 inches है, तो ये भी लेकर के दिखा सकते हैं। बेस हाइट कितना है, तो बेस हाइट इसका एकदम 0 है, कोई भी हाइट मैंने नहीं दिया है। तो ये फिलहाल विंडो के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, कितने फीट पर लगा हुआ, तो ये जो लास्ट है हमारा 7 feet पे है। और इसका सील हाइट कितना है, तो सील हाइट भी यहाँ से दिखा सकते हैं, इससे डिजाइन डिटेल हमारा हो जाएगा कि कितने हमें हाइट यहाँ से रखनी है सील हाइट, और तो कैसे हमें दिखाना है। ठीक हो गया, लास्ट इसमें एक ऑप्शन हमारा बच गया है किसके लिए, स्लोप। स्लोप का मतलब कि अगर हम आपको रूफ बनाते हैं तो उस कितने स्लोप के पे है ये, ठीक है। तो जब ये रूफ बताएंगे तो वहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, स्लोप को कवर कर लेंगे। ये सारा क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। और डायमेंशन के लिए मैक्सिमम काम आपका अलाइन से ही हो जाता, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायमेंशन सेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट हमारा है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर इज द इनसाइड बेस ऑफ रूम। ये रूम के क्या होता है, इनसाइड में होता है, हॉल और अदर एरिया ऑन विच आर स्टैंडर्ड और वॉल्स, यानी जो आपके हॉल में या फिर रूम के जो नीचे होता है उसको हम फ्लोर कहते हैं, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। और जो ऊपर हमारा छत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं, और नीचे वाले को फ्लोर बोलते हैं, सॉरी नीचे वाले को फ्लोर बोलते हैं और ऊपर वाले को रूफ बोलते हैं।
अगेन हम सॉफ्टवेयर में ही पे आ जाते हैं, कहाँ मिलेगा फ्लोर हमें, तो यहीं पे हम आते हैं। तो दिया हुआ आर्किटेक्चर फ्लोर, दिया ही स्ट्रक्चर, दोनों क्या है सेम ही है, दोनों को चेक कर सकते हैं। क्लिक किया तो जैसा आपको चाहिए फ्लोर, ये इसके लिए बाउंड्री करने के लिए यहाँ पे दे दिया। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल फ्लोर डिजाइन कर लेते हैं। ये क्या दिखाता है आपका डायमेंशन, आप डिलीट कर दिए चाहे तो, इसको ओके कर दिया, डायमेंशन मैंने डिलीट कर दिया। तो ये जो फ्लोर आपका होता है ये क्या होता है 10 फीट के नीचे डिजाइन होता है। इससे ये वो लगता है कि जो बिल्डिंग हमारी बनी हुई है वो क्या हुई है, ये थोड़ी सी रियल लग रही है। पहले क्या थी, ये हवे में थी। अगेन मैं सेटेड पर क्लिक कर देता हूँ, ये आपका बन गया। अब इसमें आपको चेंजिंग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसी वॉल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देगा एडिट बाउंड्री, हमेशा ये दिखा रहा वाटर का लेवल किधर हमारा है, तो ये आप स्लोप डायरेक्शन जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ये सेट हो जाएगा। इसके मॉडल में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ क्या कीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये सेलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट कर दिया। आप लाइन से कोई चाहते हैं यहाँ पर बनाना तो जैसा मॉडल बना लीजिए, ये मैंने इधर कर लिया, फिर मैंने इधर ले लिया, यहाँ से मैंने ये आर्क ले लिया, अगेन लाइन कमांड ले लिया, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं बना सकते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना ये, देखेंगे क्या हो गया, ये शेप वैसे ही आपका चेंज हो गया है, फिर क्या हो गया चेंज हो गया। अगेन नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, एडिट करेंगे और कहाँ जाएंगे, हमेशा लेवल वन पे यानी टॉप पे ही जाएंगे। ये मैं पार्ट डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, अगेन मैंने इसको पीछे कर लिया, लाइन कमांड देता हूँ यहाँ से समथिंग, ये मैंने आर्क ले लिया, ये भी आपका एक शेप हो सकता है। अगेन मैंने ये फिनिश कर दिया, तो ये हमारे क्या हो गया चेंजिंग हो गया। और कहाँ पे दिखा रहा है, तो ईस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे क्या, ये नीचे आपका बना हुआ है, इसके ऊपर नहीं है, यानी जो 10 फीट का क्या है ये नीचे आपका है। अगेन इसी में हम जाएंगे टॉप लेवल में, तो एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक और आया है, यहाँ पे स्लोप डायरेक्शन हो गया स्लोप एरो। स्लोप एरो मीन्स कि अगर थोड़ी सी क्या है ये तिरछे में आपकी है, ठीक है, या वहाँ का ज़मीन क्या है आपका बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर ये दिखाना हो तो हम जिधर से दिखाना चाहते हैं, मुझे यहाँ दिखाना है, तो मैं यहाँ से एक एरो क्या कर देता हूँ, खींच देता हूँ। और ये मैंने जैसे मैंने फिनिश किया तो आप 3D में जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे कुछ कटिंग समथिंग हुई है, आप चले जाइए एलिवेशन में, एलिवेशन में जाएंगे तो देखेंगे तो क्या है, ये यहाँ पे क्या ज़्यादा है और यहाँ पे जाकर क्या हो गया, ये कम हो गया है। तो ये भी चाहे तो आप इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे समतल मिट्टी नहीं होती है, ज़मीन नहीं होती है, वहाँ के लिए ये होता है। अगेन एडिट करना है तो गो फॉर एडिट, फिर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं जो भी। इसके अंदर अगर आपको ओपनिंग करनी है तो क्या करना है, तो ओपनिंग के लिए इसमें जैसा भी चाहिए वैसा एक इसके अंदर ही एक और सिंबल आप बना दीजिए। जैसे मतलब यहाँ से आपको कोई दिखाना हो, लिफ्ट दिखाना हो कि ग्राउंड फ्लोर से कोई लिफ्ट आ रहा है, या फिर कोई सर्कुलर आपको ओपनिंग करनी हो, तो जैसे आप यहाँ कर देंगे ओके कर देंगे मॉडल के अंदर मॉडल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग भी इसके अंदर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया क्या फ्लोर। अगर आप स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो स्ट्रक्चर में भी क्या होगा सेम ऑप्शन दिया हुआ, कोई अंतर नहीं है। इसमें है एक हमारा फ्लोर स्लैब, स्लैब क्या होता है, इसे किनारे पे कुछ स्लैब तरीके से लगा हुआ तो लिख लेंगे और इसे किनारे को क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, किनारे को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा उसको पिक कर लेगा। अगेन मैं एडिट बाउंड्री करके मैं क्या कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं रीसेट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया, ये भी सेलेक्ट किया डिलीट किया, क्लियर कर लिया, ओके।
क्या था, इक्वल नहीं आ रहा था इस वजह से नहीं लग रहा था। अब जैसे ही जाकर कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको कवर कर दे, थोड़ा सा क्या मॉडल देखने में आपका अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से लेके स्लैब का एज आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन फ्रंट से नहीं आया। रिसेट करना चाहते हैं तो आप रिसेट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या फ्लोर, फ्लोर के हम एडिंग फ्लोर कैसे करते हैं, ठीक है, स्लैब फ्लोर कैसे करते हैं, एरिस में हो गया, एज हो गया, ठीक है। अगला हमारा सीलिंग, सीलिंग क्या होता है, तो रूफ के बाद सीलिंग की नंबर आती है। सीलिंग काफ़ी आपका आसान है, सीलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीलिंग का लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी सीलिंग का है जो ये सीलिंग के लेवल में ही बनता है। ये बनता कहाँ है, तो है तो हमसे ये 7 फीट पे बनती है, जो डोर विंडो होता है उसके ऊपर ये डिजाइन ये होता है। जैसे आपने ज्वेलरी दुकान पर देखा होगा या ऑफिस में देखा होगा कि हाइट उससे क्या लगती है, काफ़ी कम लगती है और सीलिंग में लाइट भी लगी होती है। तो यहाँ पर जाएंगे हम सीलिंग में, तो जैसे क्लिक करेंगे तो टू टाइप ऑफ सीलिंग आ गया, कह रहा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब जैसे इसमें जाएंगे एरिया क्या करे अपने अकॉर्डिंग कवर कर लेगा और यहाँ पे कर लेगा, ये 8 फीट पे ये ऑलरेडी डिजाइन कर दिया। 3D में जाना चाहते हैं तो जाकर देखेंगे कि आपका ये सीलिंग लग गया है, दिखे कैसे, तो आगे का एक वॉल डिलीट कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये जाकर के सीलिंग आपका लग गया है। यहाँ से हम कुछ रियलिस्टिक में करेंगे तो हमारा ये ऐसा आएगा, इसमें लाइट लगेगा और टेक्सचर होगा तो ये बेटर तरीके से आपको दिखेगा। अगर ये ना करके आप इसकी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप ले करके कर सकते हैं, लेकिन आपको रहना कहाँ पे है, तो ये सीलिंग में ही रहना है, तो ये सीलिंग दिखेगा आपको। कहाँ जाते हैं, अगेन गो फॉर सीलिंग, और यहाँ पे स्केच, स्केच का मतलब स्केचिंग, जैसा हम करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइन कमांड ले लिया और ये हमने स्केच करिए, रेक्टेंगल ले लिया, ये हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, ये आर्क कर दिया, ये पहला, दूसरा, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3D सीलिंग में हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप लाइट लगाना चाहते हैं तो लाइट भी लगा के देख सकते हैं। लाइट के लिए कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम, तो अगेन जाएंगे हम यहाँ पे कंपोनेंट में, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, और इसमें कहाँ जाएंगे, तो इसमें जाएंगे हम इलेक्ट्रिकल के अंदर, लाइटिंग, आर्किटेक्चरल, और यहाँ पे इंटरनल में जाएंगे। जहाँ तो नोट कर सकते हैं यहाँ क्या हुए, कई सारी लाइट दे रखी हुई हैं, लेकिन अभी क्या है, ये सब एक्सटर्नल, लाइट की क्लास क्या है आगे है, तो आगे ये आपको बताया जाएगा कि अलग अलग वार्ड की अलग अलग लाइट है, सीलिंग लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, अलग अलग दे। इसी में देखेंगे वॉल की लाइट, यहाँ पे दिया हुआ दो प्रकार के सीलिंग लाइट दिया हुआ, देखिए फ्लैट राउंड, ओके कर दिया, तो ये जैसे लेके आएंगे तो क्या हो जाए, सीलिंग में ऑटोमेटिक ये दिखा रखा 60 वाट का है यहाँ पे, ठीक है। 60 के अलावा आप 100 वाट भी लगाना चाहते हैं, 1000 वाट भी, तो वाट का पता कब चलेगा कि जब इसका रेंडर निकालेंगे तो देखेंगे कि लाइट क्या आ रहा है, ज़्यादा आपका आ रहा है। एक लाइट और भी, वो भी निकाल लेते हैं, लोड कर लिया, और यहाँ पर राउंड है, और ये हमारा बॉक्स, यानी बॉक्स उस तरीके से जैसे मॉल वॉल में जाते हैं तो देखते होंगे कि इसी तरीके से लाइन से लगा हुआ होता है, ठीक है, पत्ती सी डिजाइन होती है उसमें ये लगा हुआ होता है। तो ये आपका हो जाएगा सीलिंग लाइट, देखेंगे अंदर से तो कैसा दिखेगा, तो ये सीलिंग ऐसे दिखेगा, तभी रेंडर इसको कीजिए तो रेंडर में आपको कुछ ही निकलेगा, लेकिन रेंडर में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे लगा हुआ यहाँ पे कुछ ना कुछ समथिंग आएगा जब ये फाइनल हो जाएगा, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, तो हो गया सीलिंग हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे सीलिंग का लेवल हो गया। अब आगे हमें पढ़ना है रूफ, यानी हमें छत का पढ़ना है, तो ये हम क्या करेंगे, चौथे के सेकंड क्लास में रूफ को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।